हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं रोको रॉयल किचन की तरफ से आप सबकी खाला बोल रही हूँ। तो देखिए, आज मैं पंजाबी तड़का मार करके दाल बघारने जा रही हूँ। तो देखिए, दाल तो पक चुका है। अब से आपको फुल वीडियो देखना है तो मेरा चैनल है रोको रॉयल किचन। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं बाहर गई थी, मार्केट गई थी, आज बहू ने दाल पका के रखी है। तो इसमें देखिए, सिर्फ प्याज गया है, तीन चार हरी मिर्ची है, नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी भुखी मिर्ची पाउडर है, इतना ही सामान गया है। अब जब गर्मी आती है तो मैं टमाटो डालना दाल में बंद कर देती हूँ, क्योंकि दाल जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता है, टमाटो से खट्टा होता है इसके लिए और गर्मी से। तो यहाँ पर देखिए, माशाल्लाह दाल तो बहुत बेहतरीन बनाई है बहू ने। और यहाँ पर देखिए, बघार के लिए देख लेते हैं। तो एक चम्मच से भुखी मिर्ची पाउडर है, और यहाँ पर देखिए करी पत्ता आज मैं ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि इससे बहुत टेस्टी दाल बन जाता है। और थोड़ी सी देखिए सूखी मिर्ची है, उसका बीज, ये बीज से भी बहुत टेस्टी दाल बनता है। थोड़ा सा कर्ज किया हुआ लहसुन है, और धनिया देखिए, थोड़ा सा धनिया जरूर लीजिए जब दाल पकाते हैं आप, तो धनिया से दाल बहुत टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और कभी भी आप दाल बघारते हैं ना, तो छोटा सा टोप ले लीजिए, नहीं तो छोटा कढ़ाई ले लीजिए। तो उसमें क्या होता है ना, दाल बघारने में आसानी हो जाती है। और चम्मच उमच में कैसा है, कभी तेल गिरने का खतरा होता है, हाथ जल जाता है इसके लिए। तो इस तरह से एक बर्तन ले लीजिए आप दाल बघार के लिए। तेल अच्छा गर्म होने देना है, थोड़ा सा हम जीरा जरूर लेंगे, लहसुन ले लेंगे तरस किया हुआ। एक दिन ऐसी वाली रेसिपी आप बना के खाइए, देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी दाल बनता है। करी पत्ता हम थोड़ा रुक के डालेंगे। यहाँ पर देखिए लहसुन होने वाला है, थोड़ा सा चूल्हा को हम कम कर देंगे। और अब हम यहाँ पर जो अपने पास करी पत्ता है, करी पत्ता को ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का मिलाएंगे। अब यहाँ देखिए मेरे पास भुखी मिर्ची पाउडर है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, हल्का मिलाएंगे इसको। और ये देखिए तैयार है। अब हम यहाँ पर फिर थोड़ा सा दाल ले लेंगे, और दाल ले करके इसमें हम ऐड कर देंगे। चूल्हा बिल्कुल बारीकी रहेगा, फाट नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आई, और नमक थोड़ा स्वाद अनुसार चखना पड़ेगा, कम है ज़्यादा है, क्योंकि बहू ने नमक डाले आज। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए धनिया है, थोड़ा हम काट लेंगे इसको, सिमटना पड़ेगा कपड़े को। पर मुंबई में फिलहाल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है माशाल्लाह, और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो चुका है। और यहाँ देखिए दाल भी बन के तैयार हो चुकी है, दाल चावल सब बन चुका है। अभी एक सब्ज़ी बाकी है तो अभी बनाऊँगी। और देखिए, आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहबान।